हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट सेशन में हमने इनकी ऑर्गेनाइजेशन की एंड फंडिंग की, एंड आज हम इस सेशन में फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में करेंगे इसकी मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टी पार्टी सिस्टम, जो फ्रांस का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, वो भी इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं जितनी इंडिया में हैं। इंडिया में 2800 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो जो ये डाटा है मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट से लिया है, तो वो ये बताता है कि इंडिया में जो छोटी छोटी सी पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबको मिलाकर 2800 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। एंड फ्रांस में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इसमें इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। इसमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, मोर देन डजन है। इंडिया में 8 ही पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिकग्नाइज हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो इंडिया से भी ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स खेलती है। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज जस्ट एक गेम की तरह होती हैं, लेकिन एक फ्रांस है, फ्रांस में क्या होता है, पॉलिटिक्स एक बैटल ग्राउंड की तरह खेला जाता है कि हमको पावर में आना ही आना है। तो जितनी ज़्यादा यूरोपियन कंट्री है, उनमें से अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के रिगार्डिंग देखना हो, तो फ्रांस की पॉलिटिकल सिस्टम है यही सबसे ज़्यादा बैटल ग्राउंड बना हुआ है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन। तो जो फ्रांस की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसको फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है रिकग्नाइज करता है। अगर हम इसको यूएसए के साथ कंपेयर करें, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज नहीं करता है, इसलिए अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टीज मानी जाती हैं। लेकिन फ्रांस का आर्टिकल 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेकग्नाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो इनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो फीथ करते हैं रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो, इसमें रिपब्लिक कंट्री को आप अपनाना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। वो ही क्या कर सकती हैं, लोगों से वोट लेंगी और उसके बिहाफ पर ही वो अपनी सरकार बनाती हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। जैसे इंडिया में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक दिस फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वहाँ पर प्रिवेल करती हैं लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो अपने अपने एरिया में स्मूथ वर्किंग करती हैं, उनकी रिकग्निशन सिर्फ एक छोटी सी लोकेशन पर, ज्योग्राफिकल एरिया में ही होती है, इसके पॉइंट वो नहीं वर्क करती हैं। देन स्टेटसोलॉजिकल पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम पॉलिटिकल डिफेक्शन कहते हैं, वैसे ही स्टेटसोलॉजिकल पॉलिटिक्स है। तो फ्रांस की पॉलिटिक्स के लिए हम स्टेटसोलॉजिकल टर्म है वो यूज करते हैं, कभी कभी जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ रीयूनियन एंड रीअरेंजमेंट, मीनिंग एक सरकार बनी हुई है, अगर हम उससे समर्थन वापस ले लें तो वो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए अदर पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, दोबारा से रीयूनियन कर लेती हैं। वहाँ पर भी इंडिया की तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी के साथ नहीं जीत रही है, तो वहाँ पर कुलीजन बने हुए हैं, जैसे हमारी कंट्री में कुलीजन बने हुए हैं, गठजोड़ से ही सरकार चलती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले कुलीजन कर लेती है, कोई बाद में कर लेती है, प्री पोल एंड पोस्ट पोल कुलीजन है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह वहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा बहुत ज़्यादा है, जिसको स्टेटसोलॉजिकल पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो जैसे पॉलिटिकल डिफेक्शन है, मीनिंग किसी पार्टी से हम सीट जीत लेते हैं और उसके बाद हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन। पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड फ्रिक्वेंट चेंज इन शॉर्ट पीरियड, जो बहुत ही नॉर्मल फीचर बन चुकी है। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ ही मिलती जुलती है। नेक्स्ट इज नोटिसेबल डिग्री ऑफ पार्टी फैक्शनलिज्म। जो वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्शंस हैं, मीनिंग एक मेजर पार्टी है उससे ही आगे और पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं। तो ऐसा हमारी कंट्री में भी होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे टूटकर कोई और पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, फिर थर्ड बन जाती है, तो स्प्लिट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स भी अपॉर्चुनिटीज
पॉलिटिक्स है तो वहां पर सिर्फ जो लीडर हैं वो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपना समर्थन देते हैं। जो पार्टीज हैं बहुत फ्रिक्वेंटली स्प्लिट हो जाती हैं एंड ब्रेक विद कंसीडरेबल ईज एंड ईगरनेस। अगर उनको हम कहें जे पार्टी को तोड़ना है उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही ईजिली वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है, एक से दो बन जाती है, दो से चार बन जाती हैं। तो इतनी ईगरनेस है कि वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स में फैक्शनिज्म बहुत है। कभी कभी वहां के पॉलिटिक्स में हमें कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं और कभी कभी बहुत सिंप्लीफिकेशन नजर आता है। इस तरह वो मिक्सचर है सिंप्लीफिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस का। देन लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट पार्टीज, जैसे हम पार्टीज को डिवाइड करते हैं मेन कोलिजन पार्टीज बन जाती हैं, तो वहां पर भी लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो जो लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट पार्टीज है प्लस कुछ और पार्टीज है, वो मिलकर अपना कोलिजन बनाती है, जिसमें फ्रेंच कम्युनिस्ट है, ग्रीन पार्टी है वो आ जाती है, एंड जो राइटिस्ट है उसमें रिपब्लिकन पार्टी आ जाती है और यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है वो आ जाती है, और जो छोटी छोटी पार्टीज है वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। 2016 में सेंट्रिस्ट है वो एक नया ग्रुप बन चुका है, जिसमें जो रेनेसांस पार्टी है वो आती है, जिसके प्रेजिडेंट है ए मैक्रोन, जो 16 में आते हैं दोबारा से फिर आते हैं। इस तरह वहां की पॉलिटिक्स है डिफरेंट वे से वर्क कर रही है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी, मीनिंग वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लूज है। कभी कभी आपको लगता है कि पार्टीज हैं बहुत ज़्यादा एक आइडियोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कभी कभी लगता है वो इसको मानती भी नहीं है। तो वहाँ की पोलिटिकल पार्टीज हैं कवर अ वाइड रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम कम्युनिज्म, कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में है, ऑन द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट, जो लेफ्ट पार्टी है वो कम्युनिज्म को फेवर करती हैं, टू एंटी पार्लियामेंट्री माइल्ड फासिज्म ऑन द एक्सट्रीम राइट्स, जो राइटिस्ट हैं वो एंटी पार्लियामेंट्री हैं, कंजर्वेटिव है, फासिज्म को फेवर करती हैं। तो इस तरह वो क्या कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनमें एक भी जनरल प्रिंसिपल नहीं है, वहां पर तो कोहेरेंट पॉलिसी भी नहीं है कि हमने कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। वो कहते हैं अगर हम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तब आगे देखेंगे हमने करना क्या है। इस तरह वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। एंड लास्ट वन इज मिसिंग एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। देखने में तो लगता है राइटिस्ट की है, वह जो लेफ्टिस्ट है इनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं वो उतने ज्यादा अपनी जो आइडियोलॉजी के है उसको नहीं मानते हैं। नो पार्टी में बी ट्रीटेड लाइक द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ यूके, जैसे यूके की कंजर्वेटिव पार्टी है वैसे तो वो दिखाई नहीं रही है। अगर वो कहते हैं कि हम रिपब्लिकन है तो रिपब्लिकन पार्टी भी ऐसी नहीं है जैसे यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरह वो अपनी आइडियोलॉजी को बताती हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करती हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ वो ही अपनी आइडियोलॉजी है उस पर स्ट्रिक्ट है, अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है एक आइडियोलॉजी को नहीं अपना रही है, जहां पर मौका मिलता है वहीं पर आइडियोलॉजी को अपना लेती है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में फ्रांस की पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है इसको डिस्कस किया, विद दिस हमारा फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बुक, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।